अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अम्मी लोग तो जैसे आप जानते हो सब लोग जा चुके हैं। फिर इसके बाद जो बचा कुचा काम था ना वो मैं कर रही हूँ किचन का, यानी कि और मैं ना ये सबसे पहले आपको दिखा दूँ, मैं ये पीती हूँ मॉर्निंग में। एप्पल साइडर विनेगर है ये, इससे वेट लॉस होता है और जो बेली फैट होता है ना वो भी बहुत जल्दी आसानी से कम हो जाता है। इसे मैं लेती हूँ गुनगुने पानी में तकरीबन 15 ml, और उसमें लेती हूँ आधा नींबू और उसके साथ मैं इसे कंज्यूम करती हूँ। मैं डेली इसे कंज्यूम करती हूँ और आप लोग भी अगर कंज्यूम करना चाहते हैं तो इसे ईज़िली आप ले सकते हो। ये मार्केट में भी अवेलेबल है और इसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वगैरह पे भी ले सकते हो। ये बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसके फ़ायदे ना नेट पर जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा है। तो चलिए काम भी स्टार्ट करते हैं अपने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना फटाफट से मैंने अलमारी यहाँ की साफ़ करना पोछना शुरू कर दी। और मुझे खाना तो मैंने नहीं बनाना है, खाना थोड़ा सा बना रखा है। और अम्मी ने ली थी मूली की सब्ज़ी, यानी मूली ली थी, तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, वो भी शाम को बनाऊंगी, क्योंकि जितना बचा रखा है खाना आज वही खाएंगे। और गर्मी देखिए, बेहाल हो रहे हैं गर्मी से। मैं अम्मी के जाने से पहले ही नहा ली थी ताकि जब घर में मैं अकेले हो जाऊंगी तो फिर दादी भी अभी नहीं आएंगी, बस वो आने वाली है, इससे पहले मैं नहा ली थी। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है ना बारिश में बहुत ज़्यादा। तो खैर, मैंने सारी मूली को बना लिया अच्छे से, क्योंकि बारिश की मूली होती है उसमें कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं। तो मैं ना काटने से पहले इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, और काटने के बाद एक पानी से भी अगर आप वॉश कर लें तो भी बहुत अच्छे से ये वॉश हो जाती है। एक एक पत्ता खोल खोल के अच्छे से इसे वॉश करना होता है फ्रेंड्स, ताकि इसमें महीन महीन जो कीड़े होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बारिश में ना ये इंसर्ट वगैरह होना एक आम बात होती है। तो मुझे सिर्फ काम काम करना है बस, ऊपर का जितना भी है। आप मुझे देख रहे हो, मैं थोड़ी सी पतली लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, कपड़े मेरे थोड़े लूज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा तो मैं यही, एक महीना हो गया है तकरीबन, एक महीना नहीं बल्कि 2 महीने होने वाले हैं फ्रेंड्स, और मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। अब कितना लॉस हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, बट देखने से तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बेली फैट कम हो गया, साइड का फैट होता ना वो कम हो गया है। मतलब ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी दुबली होगी माशाल्लाह तो खैर, सारा काम ना काम वाली करके जा चुकी है, और इसके बाद ना बर्तन वर्तन लगना थे, तो मैं ना अलमारी पोछ के सारे बर्तन लगा दूँगी। तो ये काम मेरा है और मैं इसे कर लेती हूँ। और मारिया आ गई थी मेरे साथ, मारिया भी काम करवा रही हैं, ये भी बहुत अच्छे से काम करवाती हैं। तो सारे बर्तन ना एक कपड़े के साथ मैं सारे बर्तन को अच्छे से पोंछ लूँगी। इसका पानी जो होता है ना थोड़ा बहुत भी अगर है, मॉइस्चर है, तो वो अलमारी में चला जाएगा, तो इससे ना फर्नीचर भी ख़राब होने का डर रहता है फ्रेंड्स। तो कभी भी बर्तन गीले रखना हो तो आप उसे पोंछ के रखें, गीले कभी ना रखें, गीले रखना नहीं मतलब गीले ना हो और बस मारिया भी मेरी हेल्प करा रही है बर्तन रखने में, कि इन्हें भी पता रहता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, तो ये मेरी पूरी हेल्प करा रही हैं। तो मैं इन्हें बताती जा रही हूँ, बस ये रखती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी वेट लॉस जर्नी, कि मैं अपने वेट को कैसे लॉस कर रही हूँ। और खाने को अगर आप बोले तो खाने में मैं प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा ले रही हूँ, जैसे बोलते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वगैरह वगैरह चीज़ें ज़्यादा लें आप, और फैट वाली चीज़ें ना लें। तो पूरी, पराठे, ये सब चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी पहले भी नहीं खाती थी, अभी भी नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रोटी और चावल मैं लंच में लेती हूँ और एक रोटी चावल मैं डिनर में लेती हूँ, ये मैं हमेशा से लेती हूँ। ये नहीं कि वेट लॉस हो रहा है इसलिए मैं लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं कितना कम कर दूँ मुझे खुद नहीं पता मैं सोचती हूँ एक टाइम खाना ही बंद कर दूँ, लेकिन रात का खाना खाए बगैर हम रह ही नहीं सकते फ्रेंड्स तो ये मुझसे हो ही नहीं पाता है। तो खैर, इस टाइम भी बस हम खाना बनाएंगे। मारिया को बहुत तेज़ भूख लग रही है, उसने मुझसे बोला कि अपी रोटी बनाइए, तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। दादी आज दोपहर का खाना नहीं खाएंगी, यानी लंच वो कर चुकी हैं, वो मॉर्निंग में ही खाती हैं, इसलिए मैं मारिया दोनों लोग खाना बनाएंगे, यानी रोटी बनाएंगे, और इसके बाद हम दोनों लोग खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग में ना एप्पल साइडर विनेगर और नींबू लेती हूँ, और इसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। वैसे मुझसे लोग बोलते हैं कि एप्पल ले लिया करो, कोई फ्रूट एक ले लिया करो, या ओट्स बना लिया करो, तो मैं कभी कभी ओट्स बना लेती हूँ और कभी कभी एप्पल वगैरह भी ले लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एप्पल नहीं पसंद है फ्रेंड्स, इसलिए मुश्किल हो जाता है लेना लेकिन ये जब से मैं एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ, जब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, और फैट तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और कितना वेट लॉस हुआ है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है,
और मैं बहुत ज़्यादा दुबली भी हो जाती हूँ तब भी मेरा वेट लॉस नहीं होता ज़्यादा। तो इंच में जिसका लॉस नहीं होता है तो वो इंच में अगर आप देखें तो इंच में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो मेरा ना इंच के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो फटाफट से अब रोटियां बन रही हैं फ्रेंड्स, और मारिया बराबर से मेरी हेल्प कर रही है। फ्रिज में ना कबाब रखे हुए थे तो वो कबाब फ्राई कर लिए, और कटहल की सब्ज़ी थी तो वो मैंने अच्छे से गर्म कर ली है, तो ये हम लोग खाएंगे आज। और बस ये होता है ना जब ज़्यादा लोग नहीं होते ना तो बस थोड़ा बहुत जो भी रखा होता है ना बस वही खा के काम चलाया जाता है। तो खैर फूली फूली रोटियां, मैंने चार रोटियां बनाई, हो सकता है दादी का अगर दिल चाहेगा तो वो दादी खा लेंगी, एक रोटी तो मेरी है बिल्कुल पक्का। आज चावल नहीं है तो हो सकता है 1.5 भी हो सकती है। जब चावल नहीं होते तो हाफ रोटी बढ़ा देते हैं, और जब चावल होते हैं तो थोड़े से बिल्कुल चावल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो बस अब क्या करेंगे, कबाबों को फ्राई कर लेंगे। वैसे मैं आपको देखने में दुबली लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले की अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। मुझे ना मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रिज के रखे ठंडे ठंडे मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा थोड़े से मैंगो भी कट कर लेते हैं। तो मैंने दो मैंगो लिए हैं और उसे कट कर लेते हैं। आप मौसमी कोई भी फल हो मौसम के हिसाब से आप वो खा सकते हो, और कोशिश ये करें कि फैट वाली चीज़ें ना लें, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, वेट लॉस जर्नी जो हमारी है वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और एक्सरसाइज वगैरह में बहुत ज़्यादा करती हूँ, तकरीबन 1 घंटा मुझे लग जाता है अपने लिए। और मैं कहती हूँ कि सभी को अपना वेट लॉस अगर ज़्यादा है तो करना चाहिए कम, और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो सुन्नत तरीके से हमने फिर खाना स्टार्ट कर दिया, पहले पानी थोड़ा थोड़ा लिया, पानी पीना लास्ट में बिल्कुल भूल जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में खाना खाने के बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी नहीं। ये मान के चलिए आधे से 1.5 घंटा तक मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, और हो सकता है तो मैं भूल भी जाती हूँ। इसलिए ना मैं पहले पानी पीना प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले पानी पी लूँ तो ये ज़्यादा सही रहता है। तो बस हम लोग खाना खाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा खाना भी टेस्टी लग रहा है, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लग रही है और कबाब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो बस फटाफट से हम लोग खाना खाएंगे, और बीच बीच में ना मैंगो भी खाना शुरू कर दिया। मारिया थोड़ा स्लो खाना खाती हैं इसलिए वो धीमे धीमे खाना इनका चल रहा है, और मैं तो फटाफट से खाना खाती हूँ बहुत तेज़ी से, तो मेरा खाना जल्दी ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। और बस यही है फ्रेंड्स, और अगर मेरी वेट लॉस जर्नी अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे अपना वेट इतनी जल्दी लॉस किया है। तो ज़रूर कमेंट करें। और बस खाना हम लोगों ने खा लिया, मारिया तो धीरे धीरे से बस इनका चल रहा है प्रोसेस। तो फ्रेंड्स बस क्या किया, बस हम लोगों ने खाना वाना समेट के थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रख दिया, और मुझे नहीं पता था मारिया वीडियो बना रही थी। बस मैंने आधा घंटा आराम करी होगी, ज़्यादा देर नहीं। इसके बाद ना दादी से मैं बातें करती रही, और मूलियाँ काटनी थी वरना ये ख़राब हो जाती, तो शाम को बनाना है मूली की सब्ज़ी, तो ये बना के रख लेंगे फ्रिज में। और मेरी हेल्प ना मारिया कर रही हैं, बीच बीच में मेरी हेल्प करती रहती हैं, इन्हें भी नींद नहीं आई, ये सोई नहीं है, और ये ना मेरे साथ मूली की कटिंग करवा रही है। दादी को भी नहीं अच्छा लगता है तो उनसे ही बातें करते रहो तो अच्छा लगता है उन्हें भी, ऐसे अकेले रहती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बस बच्चे आ जाएंगे घर में, सुम्बुल आ जाएगी तो अच्छा लगेगा, अनायजा आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन रहेंगी नहीं ज़्यादा दिन क्योंकि स्कूल अनायजा के खुल गए हैं और उन्हें भी घर पहुँचना ज़रूरी है, शादी की वजह से ये रुकी हुई थी। तो बस हमारी मूली भी अच्छे से कट गई है, और इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि ये ख़राब ना हो, वरना ये ख़राब हो जाएगी फ्रेंड्स। और मारिया ना पढ़ने के लिए, मारिया से बोल दिया था ये इन्हें अपना वर्क भी करना है और इसके बाद ये पढ़ने जाएंगी ट्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।